अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डायरी साइंस सेकेंड ईयर में जो टॉपिक है उसका नाम है हवाले जाती कुतुब्स, यानी कि रेफरेंस बुक्स और उसकी अकसाम पढ़ेंगे। इस टॉपिक का हम कुछ हिस्सा पहले पढ़ चुके हैं, आज इसका हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे जो कि शुरू होता है किताबियात से, यानी बिब्लियोग्राफी से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किताबियात की तारीफ़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। किताबों की बाकायदा फ़रिस्त को किताबियात कहते हैं, यानी किताबियात जो है यानी बिब्लियोग्राफी जो है ये एक किताबों की फ़रिस्त होती है जिसमें हम किताबों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं। मसलन किताब का नाम क्या है, ये किताबियात के अंदर दर्ज किया जाता है। इसके अलावा किताब का मुसन्नफ़ क्या है, मुसन्नफ़ कौन है वो लिखा जाता है। किताब का जो है नाशर कौन है वो लिखा जाता है। किताब की जो है वो किस शहर से वो किताब शाया हुई है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाता है। इसके अलावा ये कि किताब की कुल सफ़ात कितने हैं और किताब की कीमत कितनी है, इन तमाम मालूमात को किताबियात यानी बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा किताबियात जो है ये कई अकसाम की होती हैं। मसलन किताबियात जो है वो बैन अल-अक़वामी किताबियात होती है, उसके बाद कौमी किताबियात होती है, मुसन्नफ़ी किताबियात होती है, मौज़बी किताबियात होती है और तिजारती किताबियात होती है। बैन अल-अक़वामी किताबियात से मुराद ये होता है कि ऐसी किताबों की फ़रिस्त है, अगर हम दुनिया जहाँ में सारी छपने वाली किताबों की एक फ़रिस्त बना लें, यानी पूरी दुनिया में जितने भी किताबें शाया होती हैं उन तमाम किताबों की अगर हम एक फ़रिस्त बना लें तो उस फ़रिस्त को हम कहेंगे बैन अल-अक़वामी किताबियात, यानी कि इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी कहेंगे। इसके मुकाबले में कौमी किताबियात होती है यानी कि नेशनल बिब्लियोग्राफी, इससे मुराद ये है कि किसी एक मुल्क में शाया होने वाली तमाम किताबों की फ़रिस्त बना ली जाए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ हो, ऐसी फ़रिस्त को जो है किताबों की हम उसको कहेंगे कौमी किताबियात कहेंगे, नेशनल बिब्लियोग्राफी कहेंगे। इसके अलावा मैंने बताया मुसन्नफ़ी किताबियात भी होती है, मौज़बी किताबियात भी होती है और तिजारती किताबियात भी होती है। तो किताबियात जो है यानी बिब्लियोग्राफी जो है ये हमारी हवाला जाती कुतुब में शामिल होती हैं। इनका मुताला सिर्फ हम लाइब्रेरी में बैठ कर सकते हैं, इन किताबों को घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। इसके अलावा नंबर दो पे, नंबर चार पे जो है वो है हमारा सालनामे यानी हियर बुक्स है। हियर बुक भी जो है किताबियात की तरह एक हवाले जाती किताब है जिसका मुताला लाइब्रेरी में बैठ कर किया जाता है, इसको घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। ईयर बुक से मुराद ऐसी किताब है जिसमें उन तमाम वाक़यात को लिखा जाता है जो एक साल के अंदर रोनुमा होते हैं। मसलन ईयर बुक ऑफ पाकिस्तान 2020, यानी 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितने भी अहम वाक़यात हुए हैं, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो, हमारी माशियत से हो, हमारे जनाब स्पोर्ट्स से हो, इन तमाम वाक़यात को अगर हम तारीख के अतबार से दर्ज कर लें तो ऐसी किताब को हम ईयर बुक कहेंगे, ईयर बुक या सालनामे कहेंगे। तो सालनामे जो है या ईयर बुक जो है ये भी हमारी एक हवाला जाती बुक है, रेफरेंस बुक है, जिसका मुताला सिर्फ़ और सिर्फ हम लाइब्रेरी में बैठकर कर सकते हैं, इसको घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। नंबर पाँच पे है डायरेक्ट्रीज़। डायरेक्ट्रीज से मुराद एक ऐसी किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ अफराद या इदारों के मुतलक मालूमात, अहम किस्म की मालूमात दर्ज होती हैं। मिसाल के तौर पर अफराद, मुख्तलिफ अफराद के नाम होते हैं, मुख्तलिफ अफराद की तालीम के बारे में मालूमात होती हैं, उनके पेशे के बारे में मालूमात दर्ज होती हैं, इसके अलावा उनके घर का पता और टेलीफोन नंबर भी दर्ज होता है। यानी ऐसी किताब जो हमें मुख्तलिफ अफराद के बारे में जो है मुख्तलिफ किस्म की मालूमात फराहम करे, मसलन उनका नाम बताए, हमें तालीम बताए, उनका पेशा बताए, उनके घर का पता बताए, टेलीफोन नंबर्स बताएँ, तो ऐसी किताब को जो है टेलीफोन डायरेक्ट्री या डायरेक्ट्रीज़ कहा जाता है। तो डायरेक्ट्रीज़ जो हैं जितने भी हों तो इनको भी हम हवाले जैसी बुक्स के अंदर शामिल करते हैं, रेफरेंस बुक के अंदर शामिल करते हैं और इनका मुताला भी लाइब्रेरी में बैठकर किया जाता है, क्योंकि ये भी किताबें जो हैं रेयर होती हैं, कीमती किताबें होती हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इनके गुम होने का ख़तरा होता है, इसलिए इन किताबों को जो है किसी स्टूडेंट या टीचर को इशू नहीं की जाती है। तो आम किसी ने अगर मुताला करना हो तो लाइब्रेरी में बैठ कर इनका मुताला किया जा सकता है। नंबर छः पे है जोग्राफी मुआखज़ यानी जोग्राफिकल सोर्सेज या जोग्राफिकल बुक्स कहा जाता है। जोग्राफी किताब मुआखज़ से मुराद ऐसी किताबें होती हैं जिसमें मकामात,
इलाकों और ममालिक के मुतलिक मालूमात दर्ज होती हैं। मसलन हम अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पे तालीम अच्छी तालीम हासिल करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, कौन कौन से अच्छे इदारे वहाँ पे हैं। यानी कि हाँ, अगर हम मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर मेडिकल के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज वहाँ पर दस्तियाब हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए जो है वहाँ पर कौन से जो है अच्छे इदारे जो है हमें दस्तियाब हैं। इसके अलावा अगर हमें सियाहत का शौक़ हो जो है, तो उसके लिए भी हम ये देखते हैं कि अगर हम सैर व तफरी के लिहाज से अगर किसी मुल्क में जाना जाए तो वहाँ का दर्जा हरारत, तो वहाँ का मौसम, वहाँ पर किस किस्म का होगा, तो उसी हिसाब से फिर हम अपने सफ़र की जो है वो तैयारी करते हैं। लिहाजा अगर हमने किसी मुल्क के बारे में जानना हो, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में जानना हो, मुख्तलिफ मकामात के बारे में जानना हो, तो उसके लिए जियोग्राफिकल सोर्सेज की किताबों का मुताला किया जाता है। तो जियोग्राफिकल सोर्सेज की किताबें जो हैं ये भी हमारी हवाले जाती बुक्स के अंदर शामिल होती हैं, रेफरेंस बुक के अंदर शामिल होती हैं। ये एक ऐसी ऐसी किताबें होती हैं जिनका मुताला हम जो है लाइब्रेरी में बैठ कर सकते हैं। ये किताबें जो हैं किसी भी स्टूडेंट को या टीचर को इशू नहीं की जाती हैं, बल्कि इनका मुताला लाइब्रेरी में बैठ कर किया जाता है। उसके बाद नंबर 7 पे है गैर किताबी मवाद, यानी समय व बसरी मवाद। तो गैर किताबी मवाद नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा मवाद है जो किताबी शक्ल में नहीं होता बल्कि किसी और शक्ल में होता है। मसलन इनमें गैर किताबी मवाद के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होते हैं अखबारात होते हैं, रसायल जरायद होते हैं, नक्शजात होती हैं, ग्लोब्स होती हैं। समय व बसरी मवाद मसलन टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर वगैरह शामिल होता है। तो गैर किताबी मवाद जो है ये भी हमारा हवाला जाती मवाद होता है, रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनको हम लाइब्रेरी में बैठकर मुताला कर सकते हैं, लेकिन इनको घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे जो है अखबारात आप इशू कर दें, रसाल जरायद इशू कर दें, या टेलीविज़न या कंप्यूटर वगैरह हमें इशू करें, तो हम उनको जो है इशू नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि अगर आपने इनका मुताला करना है, इनकी स्टडी करनी है, तो आप लाइब्रेरी में बैठ कर इनका मुताला कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर किताबी मवाद का दूसरा नाम होता है समय बसरी मवाद, यानी ऐसा मवाद लाइब्रेरी का जो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता हो, इसको हम ऑडियो वीडियो मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था रेफरेंस बुक्स यानी हवाला जाती किताबें और उनकी अकसाम। ये टॉपिक आज हमारा कम्प्लीट हो गया है। ये टॉपिक आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो है वो मिलेगा। इसके अलावा आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा ये लाइब्रेरियन की खसूसियात होंगी, यानी कि फीचर्स ऑफ लाइब्रेरियन हम पढ़ेंगे। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।